अच्छा जी, अब तक हमने किए हैं डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, देन शाह वलीउल्लाह, देन सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़, देन पार्टीशन ऑफ बंगाल, देन शिमला डेपुटेशन एंड मुस्लिम लीग, देन लखनऊ पैक्ट, देन खिलाफत मूवमेंट, देन नेहरू रिपोर्ट, देन 14 पॉइंट्स, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, यहाँ तक तो आपको मैंने करवाया था। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज भी हमने कंक्लूड किया था, फिर मेरे एग्ज़ाम थे, फिर आपने लाहौर रेजोल्यूशन राणा साहब ने करवाई आपको, और क्रिप्स मिशन करवाया, और कैबिनेट मिशन, कैबिनेट नहीं करवाया। कितनी क्लासेस हुई थी राणा साहब? अच्छा, दो हुई। अच्छा, कैबिनेट नहीं करवाया, ठीक। तो उसके बाद आपका टेस्ट था, टेस्ट कैसा हुआ ये तो खैर मैं बताऊंगा कैसा हुआ, लेकिन टेस्ट राणा साहब ने इंटरवीन करके उसको थोड़ा सा आसान कर दिया था। तो आई होप सो कि आप लोगों का अच्छा ही हुआ। अच्छा, ये जो अब मैंने आपको अभी तक करवाया है ना, ये मैंने आपको सारा वॉलेंटरीली करवाया है। इट वॉज नॉट द पार्ट इन अकेडमी, ठीक है, ये समझ लें कि ये मैंने आपको बोनस दिया है। नीदर इट इज़ द पार्ट ऑफ सिलेबस डायरेक्टली, नॉर इट इज़ द पार्ट ऑफ अकेडमीज सिलेबस। उसकी रीज़न थी कुछ, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे कभी भी ये नहीं होता, तभी मैं सेशन लटकाता रहता हूँ, कभी भी मकसद ये नहीं होता कि सेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके 15-20 जो क्वेश्चन है वो करके ख़त्म कर दिए थे। हम जब 2016 में अभी ये अटैम्प्ट दे के ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे, ओपन क्वेश्चन होते थे। जब भी फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते थे, तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि व्हाट वाज नेहरू रिपोर्ट, व्हाट वाज 14 पॉइंट्स, क्या क्या थे इश्यूज़, क्या थे चैलेंजेस, क्या थे, बिल्कुल ही नहीं आइडिया होता था मेजॉरिटी को, नहीं था, बड़ी एम्बैरेसमेंट होती थी। तो एक दिन हमारे डायरेक्टर कहते हैं कि यार ओवरऑल ये बैच बहुत अच्छा है, और वाकई अच्छा है बैच, तो ये इस पाकिस्तान की हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में इसको देखें तो बड़े हालात बुरे हैं आप लोगों के। तो क्या हुआ, चलें बैठ जाएं, कोई अरेंजमेंट कर लेते हैं। अच्छा, तो उसमें लोगों के काफ़ी इश्यूज थे। प्रॉब्लम यह था कि फ्रीडम मूवमेंट वाज नॉट अ डायरेक्ट पार्ट ऑफ सिलेबस, ठीक, और लोगों ने उसको अगर था भी तो चॉइस में छोड़ दिया हुआ था। दूसरा ये था कि पहली बार CSS के एग्ज़ाम हुए थे कोर्स चेंज होने के बाद, मुझे भी आइडिया नहीं था कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसी तरह बहुत। अब जब 17 का पेपर हुआ और 16 का भी बना, तो उन्होंने फिर भी इसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जो कि वो पूछते हैं। तो इस वजह से मैं ये भी समझता हूँ कि आपकी ओवरऑल CSS करने के लिए भी, जब बच्चा मेरे पास पहले दिन आता है तो मैं उसे कहता हूँ कि पाकिस्तान हिस्ट्री के ऊपर एक बुक पढ़े, लाजमी पढ़े। तो ये सारा करवाने का मकसद यही था, वरना ये 6-7-8 क्वेश्चन ना भी करवाए जाते तो आपके कोर्स के जो दूसरे क्वेश्चन हैं वो करवा के किया जा सकता था। हाँ, लेकिन ओवरऑल ये आपकी लर्निंग के लिए भी ज़रूरी है कि आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री का पता हो, और ये हर CSS के कैंडिडेट को पता होना भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक आगे, अब हमारी ज़रा स्पीड तेज़ होगी, तो समझ लें कि हमने अभी तक जो करना था उसका 10% किया है। आल दो इसके ऊपर हमारा टाइम ज़्यादा लगा है, इसके बाद तो चीज़ें भी बहुत आसान हैं। इसके बाद तो वो चीज़ें हैं
जो आपको भी बहुत सारी चीज़ों का पता है आती हैं, ठीक है, और आप अखबारों में भी पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें। अब जो आज से टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, बेसिकली दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इस वजह से कि व्हेन यू नो द बेसिक अबाउट योर हिस्ट्री, द ओरिजिन ऑफ योर हिस्ट्री, द ओरिजिन ऑफ योर स्टेट फ्रॉम 47, और फिर उसके आप पहले 8-10 साल जो हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स इश्यूज थे उनका जब आपको पता चल जाए, तो फिर आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाकी जो सारे इश्यूज़ हैं उनके ऊपर आपकी कमांड बेहतर हो जाती है। बट अगर आपको बेसिक्स का ही ना पता हो तो बाद में इश्यूज़ होते हैं। अब मैं इनके आपके नोट्स कंपाइल कर रहा हूँ, और क्योंकि बाद में आने वाले जो टॉपिक्स हैं, अब हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बुक्स लिखी जा चुकी हैं, इनके ऊपर, और उसमें मैं अभी भी आपको कोट करके बता सकता हूँ, या आपको पता ही है कहाँ कहाँ से जहाँ से आपने पढ़ा है 2-3 मेजर बुक्स। बट इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं जो बिलखसूस करंट अफेयर के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, उनके लिए कोई ख़ास बुक्स नहीं है। उनके लिए आपको न्यूज़पेपर से आर्टिकल, मुख्तलिफ जर्नल से आर्टिकल, ये वो चीज़ें इधर उधर से कलेक्ट करनी पड़ती हैं, और वो चेंज होती रहती है। हर महीने कोई नया जर्नल आ गया, कोई नए आर्टिकल्स आ गए, तो आपके मटेरियल में ऐड होता जाए। वो कुछ तो चले जो मेरे पास हुई मैं कंपाइल कर दूँ, और मैं कर रहा हूँ। बाकी अगर आपके पास भी कोई अच्छी चीज़ आए तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैंने दी है वही अच्छी हो सकती है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपके हाथ में भी ऐसी चीज़ आए जो बहुत अच्छी हो, तो आप कोशिश ये करें कि मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है, ना ही होगा, ठीक है, कि आपका कोई भी स्टूडेंट एक एक टॉपिक को 2-3 सोर्सेज से पढ़े, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं। उसकी रीज़न ये है कि लोग इन सब्जेक्ट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एक बुक ले ली, JWT की ले ली, राम रबानी की ले ली, और कोई एक किताब ले ली, उसके ऊपर सारे टॉपिक्स दिए, मैं हेडिंग्स और रट्टा लगाया, 3-3 लाइनें लिखी, बस खत्म, ठीक। उसमें बाज़ात नंबर आ जाते हैं, बाज़ात नहीं आते। तो मैं ऐसा कर नहीं सकता, फिर तो इस क्लास का पर्पज़ ही ख़त्म हो जाता है। तरीकाकार फिर भी वही होगा, लेटेस्ट बुक्स जो है ना उनसे भी आप पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कल मैं लिबर्टी बुक पे था तो मैंने एक किताब देखी, बिल्कुल अभी पब्लिश हुई है, इंडियन राइटर है उसकी पब्लिश हुई। तो अब इंडियन राइटर है, उसके ऊपर जो फॉरवर्ड दिया हुआ है वो हुसैन अकानी ने दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि किताब नेगेटिव ही होगी। तो मैंने उसमें देखे कंटेंट उसके देखे, तो ऑलमोस्ट जो उसके लास्ट पार्ट्स थे 7-8 टॉपिक आपसे रेलिवेंट थे, ठीक। उसमें एक पॉपुलेशन के ऊपर 20 पेजेस का था उसका लिखा हुआ, एक वाटर क्राइसिस के ऊपर था, एक एजुकेशन के ऊपर था, ठीक, और फिर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, एक उसका US के पर्सपेक्टिव में था, एक अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव में था, एक चाइना के पर्सपेक्टिव में था, और एक ईरान के पर्सपेक्टिव में, इस तरह 4-5 में। अब वो सारे रेलिवेंट थे। तो अब अगर आप वहाँ से भी पढ़ेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी नेगेटिविटी उठा लें वहाँ से, ठीक, बट एक वो आपको हेल्प करेगी एक क्रिटिकल एनालिसिस उसके करने में। फिर आपने और भी कुछ चीज़ें पढ़ी हो तो आप अच्छा एनालाइज कर लेते, ठीक। तो इट मीन्स बात करने का मकसद ये है कि आने वाले टॉपिक्स में, ये आज के टॉपिक्स टिपिकल ही हैं, आने वाले टॉपिक्स जो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, बिलखसूस जो 7 हम रिलेशनशिप 6-7 करेंगे, UK, USA, चाइना, रशिया, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, ठीक, मिडल ईस्ट क्या लें चलें, SCO, यूरोपियन यूनियन, SARC, ये इस परस्पेक्टिव में जो 7-8 क्वेश्चन हैं ये हम करेंगे। इनके सोर्सेज न्यूज़पेपर भी होगा, इनके सोर्सेज मुख्तलिफ जर्नल्स भी होंगे, इनके सोर्सेज मुख्तलिफ बुक्स भी होंगे, तो आपने इससे घबराना नहीं। अब आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, आप इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन ये वो चीज़ें पढ़ते रहते हैं, मैं देखता हूँ आप ग्रुप्स में बड़ा शेयर भी करते हैं। आई डोंट नो कि आपका पढ़ने का तरीकाकार क्या है, ठीक, मैं नहीं जानता, बट
मैं ये जानता हूँ कि 70% लोगों का तरीकाकार ठीक नहीं होगा। आप साथ साथ आर्टिकल पढ़े जा रहे हैं वो आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे। विद इन अ वीक आपको ये भी नहीं याद रहता कि टॉपिक क्या था, ठीक, टाइटल क्या था, मुझे खुद नहीं याद रहता, ठीक। तो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें सारी भूल जाती हैं, ठीक है ना। इसलिए इसका तरीकाकार यह है कि आप जो भी करें उसकी कंपाइलेशन करें टॉपिक वाइज, ठीक। फर्स्ट किया इकोनॉमिक्स में कोई आर्टिकल आया है तो वो आर्टिकल मार्क हो चुका होना चाहिए, आपका एक फोल्डर बना हुआ है आपका, फ़र्ज़ किया पाक यूएस रिलेशनशिप के ऊपर आया हुआ है तो आपका, फ़र्ज़ किया इकोनॉमिक्स में पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर कोई आर्टिकल आया तो आपका वो जो आपने फोल्डर बनाया हुआ है एजुकेशन वाला जिसके लिए पेजेस छोड़े हुए हैं उसके ऊपर सोर्सेज वाले में लिख दें कि ये इकोनॉमिक्स ये मैगज़ीन फला मंथ और वो सारी चीज़ें। इस तरह जब उसकी बारी आएगी करने की तो आप उस वक्त वो करें और उसको अच्छी तरह करें। अभी आप डेली बेसिस के ऊपर यार आप थोड़ा पीछे हो जाएं, ये ज़रा खाली कर दें, मुझे लगता है आज इस क्लास में बाकी क्लासेस के भी स्टूडेंट हैं, काफ़ी नए नए लग रहे हैं, हैं? वैसे तो आप लोगों की थी ही नहीं ना ये, तो आपका तो टेस्ट था यार ऐसी, लेकिन अभी आप बैठे हैं, आप पीछे बैठे, नुकसान नहीं होगा आपका। ये जेन में रखें प्रेसी के जितने भी स्टूडेंट, हर दो हफ्ते बाद आपका एक टेस्ट होगा और उसका मैं पहले नहीं बताऊंगा कि हफ्ता, मैं एक दिन पहले ही बताऊंगा, मैंने लिखा था स्पॉट टेस्ट होना है आपका, हमारे भी होते हैं अभी तक होते हैं। क्या बात हो रही, सोर्सेज के लिए अलग, हाँ तो वो पूरा एक आपको चीज़ें कंपाइल करनी होगी, जब उसकी बारी होगी आप उस वक्त उसको इस हिसाब से करेंगे और किसी को मिस नहीं करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फ़र्ज़ किया आज आपका लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, तो जब आप इसको करेंगे ये टॉपिक जब आएगा आपको तो इसके जो एक दो सोर्सेज हैं आप वो कंसल्ट करेंगे। फ़र्ज़ किया जब पाक यूएस रिलेशनशिप होगा तो उसमें भी ऐसी है, ये जो हमने सारी चीज़ें करनी है एबिलिटी ये होनी चाहिए कि आपको ये फिंगर टिप्स भी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर रिलेशनशिप हम करेंगे तो आपको रिलेशनशिप के जहाँ पे दो लोग मुल्कों के, जिस तरह दो इंसानों के रिलेशनशिप होते हैं इसी तरह दो मुल्कों के वेयर एवर दे क्लैश विद ईच अदर वो आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं जहाँ पे डाइवर्ज कर रहे हैं उन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, उन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। करंट स्टेटस क्या है रिलेशनशिप का उनको आपको पता होना चाहिए। ओरिजिन क्या है, हिस्ट्री क्या है रिलेशनशिप की उसका आपको पता होना चाहिए। ये सारे जब डॉट्स हो ना आपके पास फिर आपके सामने क्वेश्चन है तो आपने डॉट्स कनेक्ट करना होगा, ना कि जो भी सवाल आए जवाब दे दिए, ठीक है, और आप बस उसी तरह रटा लगाया हुआ है और आप। अब आज का जो हमारा चले कैबिनेट मिशन और इसमें दो क्वेश्चन मैं अभी छोड़ रहा हूँ इंटेंशनली, एक क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट था मैंने अभी नहीं करवाया, मैं सबसे आखिरी क्वेश्चन वो करवाऊँगा, याद आपने मुझे करवाना, ठीक है, वो है टू नेशन थ्योरी, वो मैंने सबसे आखिर में क्यों करवाया उसकी रीज़न। मैं ये चाहता हूँ कि आप सारी पाकिस्तान को स्टडी करने के बाद पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर आखिर में टू नेशन थ्योरी को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, ये अपना स्टैंड करती है, ओरिजिन क्या था इसका, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वेदर इट वाज राइट इट इज़ रॉन्ग, वेदर दिस आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान नीड्स रीडेफिनेशन, ठीक, या ये जो है बस ठीक है। तो उसके ऊपर हम सबसे आखिरी क्वेश्चन हम वो करें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड टू नेशन थ्योरी, चले साथ हम इसके कैबिनेट मिशन मिला दें। कैबिनेट मिशन में इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन क्रिप्स मिशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, कैबिनेट मिशन इम्पॉर्टेंट है और उसमें तीन चार टेक्निकल पॉइंट्स हैं और तो उसमें कुछ नहीं है, ठीक,
और वो पढ़ने में ज़रा लगता भी कॉम्प्लिकेटेड। बट अगर आपने कैबिनेट एडमिशन पढ़ना है, आप पाकिस्तान फॉर्मेटिव फेज में सबसे अच्छा दिया हुआ, आप वहाँ से पढ़ लें, एक ही किताब काफ़ी है पाकिस्तान फॉर्मेटिव फेज। अब बात यह है कि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट सिंस नाउ वी मे सपोज दैट पाकिस्तान हैज बीन क्रिएटेड आफ्टर कैबिनेट मिशन प्लान आफ्टर 3rd June प्लान एंड इन 1947 14th August पाकिस्तान हैज बीन क्रिएटेड, इट शुड हैव बीन क्रिएटेड इन 1948 बट due to certain international factors, due to certain compulsions of the British Raj, that was not a peaceful exit of Britishers from the subcontinent, rather it was a shameful flight. It was a shameful flight of the Britishers, the way they left subcontinent and the way in that period of turmoil and conflict when overall British Empire was waning after World War II and was facing several kind of crises. So in 1947 they decided to divide subcontinent into two parts. This is the reason that without taking into considerations, without planning in its all details, the way they left subcontinent, that was very shameful. और इसी के ऊपर एक बुक है स्टैनले वोल्पर्ट की, जिसका नाम है शेमफुल फ्लाइट। ठीक, दिस वॉज द शेमफुल फ्लाइट ऑफ द ब्रिटिशर्स विच अल्टीमेटली बिकेम द रीज़न ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवेलपमेंट ऑफ 20th century, कार्विंग टू कंट्रीज ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, एट द सेम टाइम वन ऑफ द लार्जेस्ट माइग्रेशन और एग्जॉडस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, where more than 15 million people in the subcontinent migrated between Pakistan and India. More than 7.5 million people migrated from India into Pakistan, and more than 4.6 million people migrated from Pakistan into India. And along with that, that shameful flight of the Britishers ultimately became the reason of one of the most important, painful and tragic legacy of the subcontinent, that was Kashmir. Theek? If that had not been a shameful flight, if that had been properly planned and executed at that time in 1947, if every aspect of the partition had been taken into account, if all the aspects related to human migration, related to human problems, related to that mass exodus, if all the socio-economic and political consequences of the partition had taken into account, then certainly that British exit from the subcontinent would have been very prestigious. But that was not the case. The way they divided through a surgical operation, the way they partitioned subcontinent into two parts, and the way they micromanaged everything in collision with Nehru and certain other elements of Congress party, it was ultimately very fatal for Pakistan. And what came into being, what was not Pakistan dreamed by Muhammad Ali Jinnah or envisioned by Muhammad Ali Jinnah, it was what Aisha Jalal calls or Jinnah calls moth-eaten and truncated Pakistan. Because Jinnah always wanted complete Punjab and complete Bengal. He never ever demanded that kind of Pakistan, which was half of the Punjab was cut away and half of the Bengal was cut away from. So ultimately what we got was moth-eaten and truncated Pakistan. Aur Jinnah ne isko reluctantly hi accept kiya. And even then, when that moth-eaten and truncated Pakistan was created or was given to us, there were serious challenges to its existence. And it has been predicted that this Pakistan would not remain for more than 3 or 4 years. This was the reason that Mountbatten
in one of his interviews says that in the form of Pakistan, you are going to put a Nissan tent, a Nissan hut. Nissan hut army mein kisko kehte hain yaar? Nissan hut or a tent. Nissan, आप जो वो एक टेम्प कहीं जाते हैं, यूनिट्स कहीं मूव करती है और आप थोड़ा सा वो एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं वक्ती तौर पे वहाँ पे ठहरने के लिए, उसको निसन हट कहते हैं. और जो टेंट लगाते हैं उसका तो आपको पता है. सो इट विल बी अ निसन हट और अ टेंट विच विल बी कैरिड अवे बाय एनी वेव दैट विल कम इन द फ्यूचर. ठीक, एक तो माउंटबेटन ने ये बात की. दूसरा, देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया एंड जिनाह वाज नॉट रेडी टू सरेंडर. इसके ऊपर भी था माउंटबेटन की दैट ईगो का ये इशू था. सो पाकिस्तान वाज फेसिंग वेरी सीरियस चैलेंजेस ऑफ एग्जिस्टेंस, सीरियस चैलेंजेस ऑफ बीइंग निप्ड इन द बट. ठीक, एंड दैट बिकेम द पार्ट ऑफ नेशनल साइकी, दैट बिकेम द पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री फॉर द नेक्स्ट 60 आर 70 ईयर्स. अब जो आपको चीज पता होनी चाहिए, जो आपने लिंक क्रिएट करना है, वो ये है दैट सिंस पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड इन 1947 एंड द इश्यूज विच इमर्ज्ड इन 1947 should not have haunted us in 21st century. They should not have haunted us even in 70s or 80s. But up till now, till 1947 and this day and age, वहाँ से लेके अब तक, we have become prisoners of history. We as a nation, as a country, आपको समझ आ रही है ना? पक्की बात है ना? We as a nation and as a country have become prisoners of history and we could not exorcise ourselves. Exorcise means that जैसे आपके ऊपर कोई एक स्पिरिट, किसी का जादू हुआ हो और आप उससे बाहर ही नहीं आते. We could not exorcise ourselves from those painful and tragic memories of 1947. We are still living in the past and history is still very much relevant with us. History is still very painful and still being the prisoners of history. Most of the problems that we face today can still be linked with 1947 and 1948. This is the reason that you have to study very effectively and very minutely what went wrong in 1947, 1948 till 1958. That whatever problems we are facing now, whatever problems we are facing now in 21st century, they have a very definite and credible link with 1947. Henry Ford ne ek bar kaha tha ki history is a bunk. And when you study history in the context of succession of the kings, when you study history in the context of wars of the princes and kings, when you study history as interminable conflict between nations and races and people, it may be a very painful thing. It may be a drain on human flesh, but when you study history as a journey from savagery to civilization, when you study history from a very humble origin to a very progressive, very developed state, then history indeed is very painful. In the context of Pakistan,
when we study history that way, that from 1947, still we are fighting in India, still we are facing the same problem now, which is a war for refugees, war for worship. It became very painful. So along with that, studying history from 1947, these initial years, those problems of the birth, we have also, we have to study in 70 saalo mein, there is anything positive that we have achieved and that we add to the positive history of Pakistan or everything is negative. See? So, up 1947, जो आपने पेपर में क्वेश्चन अक्सर आता है कि व्हाट वाज द अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान वाज वेरी डिफिकल्ट इन 1947, इस तरह में एक तो उसको आपको देन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज एंड व्हाट वाज द हर्डल इन द वे ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. पहले हम अभी कर लेते हैं हर्डल अर्ली प्रॉब्लम्स क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दोज अर्ली प्रॉब्लम्स इन द डिटेल में बात करेंगे, देन वी विल बी डिस्कसिंग चैलेंजेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स, जो थोड़े से टेक्निकल टॉपिक्स हैं, द डिसमिसल ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली 1954 एंड देन टिल 1956 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन. जो बुक आप इसके लिए पढ़ेंगे वो हामिद खान की उसमें मैं आपको पेजेस वो सारा कुछ बता दूंगा कि आप इसे ज़्यादा आप कुछ ये लिखें, कुछ पॉइंट्स लिखें अर्ली प्रॉब्लम्स. First problem was fear of being nipped in the bud. Fear of being nipped in the bud. Fear of being nipped in the bud. Matlab fear of survival, existence issues. The second was refugee crisis. Third was Pakistan as an economic desert. Fourth was financial crisis. Administrative vacuum. Territorial conflicts and issues. Water crisis, weak military base, centrifugal and fissiparious tendencies. Centrifugal and fissiparous tendencies. Regionalism. Leadership vacuum. Failure of Muslim League.
Islam and New State. अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं एंड हाउ दे बिकेम वेरी इम्पोर्टेंट एंड हाउ दे आर रेलिवेंट इवन इन 2018. अब हर पॉइंट की आपको रेलिवेंस क्रिएट करनी है. सपोज आई से दैट कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट South Asia discussed. And suppose I say that Kashmir is the largest, biggest, or most crucial problem. You have to create relevance. That's why Kashmir is important. I'm sorry, but the teacher is not going to tell me. Suppose it is Kashmir and it is the most important issue, and you may disagree with that, that Kashmir might not be an important issue. Awaaz aa rahi hai picture? Yes sir. But Kashmir is important. When we go back into history, Kashmir was sold by the British to Gulab Singh for 7.5 million rupees in the form of Treaty of Amritsar in 1846. And after 1846, till 1846, the current Gilgit-Baltistan was not a part of Kashmir Valley. It was occupied by Maharaja of Kashmir after 1860s, and it became the part of Kashmir. But before that, it was not a part of Kashmir. So Kashmir was sold by the Britishers in 1846, and it was being ruled by that dynasty in Rajapur. And over the period of time, when the freedom movement became active in the subcontinent, same was the case with Kashmir, and Sheikh Abdullah being the part of Congress was leading that movement in Kashmir. And Ghulam Abbas, who was leading that movement and was more aligned to what Muslim League. But in 1940s, since there was no main difference between Muslim League, separatism ki baat karne ka tak kehna hai, but after 1940s, Sheikh Abdullah became the permanent part of Indian National Congress, and Ghulam Abbas was espousing the cause of Muhammad Ali Jinnah in the form of Pakistan, that in case. So there was no doubt that Kashmir will not be the part of Pakistan. There were more than 70% Muslims, and in Kashmir Valley there were 90%. So with the collision of Nehru, Mountbatten and Edwina Mountbatten bhi usme kahin pe shareek ho jati hai. Ye sari cheeze is tarah hui ki us phase mein one district Gurdaspur was cut away from Punjab and was given to India without any rhyme and reason, and that provided a natural link to India with Kashmir. अब इसकी लंबी बहस में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि हमने पूरा एक क्वेश्चन करना है कश्मीर के ऊपर, और उसका ओरिजिन मैं फिर स्टार्ट करूँगा 2000 साल पहले से. ठीक है, और 10 मिनट में आपको बताऊँगा कि कश्मीर कहाँ से निकला और कैसे, और फिर हम सारा कन्फ्लिक्ट 1947 से. But now what I want to establish is why Kashmir is important. In 1947, when Pakistan became an independent state, Kashmir should have been a natural part of Pakistan, and people of Kashmir were in favor of Pakistan. But through an instrument of accession that was taken from the Maharaja of Kashmir by force by India, through the help and pressure of Mountbatten, Kashmir became the part of India. So the first conflict between India and Pakistan was Kashmir.
and Pakistan became a security state due to that conflict. Pakistan realized at that time that Mountbatten was true, that it is going to be a Nissan hut or it is going to be a tent. The first conflict due to Kashmir became responsible or became the cause of Pakistan being not Pakistan but what Aisha Jalal calls Paranoidistan, a fearful state, a constant fear of being nipped in the bud, that we will be no more. Survival of the state was at stake at that time in 1947. There were serious and credible challenges to the existence of the state of Pakistan, the newly carved state which has no administrative machinery, which has no military, which has no financial, which has nothing, even nothing to give to its employees. How can this survive? So the problems related to survival were not only genuine, but they were real. And Kashmir was one of the cause of direct conflict with India. Ab 33% to humne India se le liya. But how over the period of time? When Kashmir became the part of main conflict between India and Pakistan, baad mein water ke issues bhi hai, but wo itne important nahi. Why Kashmir is important? Because it transformed Pakistan into Paranoidistan. Why Kashmir is important? Because Kashmir became the reason of Pakistan joining CETO and CENTO and becoming the part of global blocs and becoming the part of Cold War. Reason, because we were insecure. We were insecure from India. Ke hamari survival ko khatra hai. We became the part of CETO and CENTO at the cost of our relationship with Russia. By becoming the part of these blocs, we paid heavily and we paid through nose. When there was war of 1965, what was the main reason? Kashmir. Theek? Pakistan became a security state, and to be a security state, it is necessary that you should have to focus on developing your military and armaments. So the whole focus of Pakistan shifted from social sector towards military. And we started investing heavily upon military. When Singapore was striving to make itself a very progressive and very developed state, they were investing on education. They were investing upon their people. They themselves were facing certain kind of threats and certain kind of challenges, but not that kind of the way Pakistan was facing. So they were investing everything on education and social sector. But we were investing upon our military because survival was the greatest challenge. So Kashmir became very important. In 1965, we fought with India, being a very tiny state in front of India. We fought with India for the cause of Kashmir. In 1971, again, we fought with India, not directly for the cause of Kashmir, but Kashmir was the part of the debate. With the result of 1971 war, there was Shimla Accord between India and Pakistan, and in that there was one statement that India and Pakistan will resolve their conflict bilaterally. Kashmir again became relevant because it was the only most important dispute between India and Pakistan. When there was war on Siachen in 1985-84, again it was only due to Kashmir. When there was war on Kargil, again with India, we are fighting with India, it was only with Kashmir. When we waged a war in Afghanistan in 1979 and we became the part of, again became the active part of Cold War, the reason was Kashmir. Why Kashmir? Because we wanted a strategic depth in Afghanistan. And why we are wanting strategic depth in Pakistan? Because we want to secure one border and we want to have a friendly state on our backyard, and we want to secure our border, and this way we will be more secure and we will be fighting with India with more strength. Kashmir again was relevant. Theek? And in 1998, from 1974 till 1998, we developed our nuclear arsenals. We shifted everything toward nuclear arsenals to make Pakistan stronger militarily, because
Pakistan was fearful from India, and why it was fearful? Because there was one core dispute between India and Pakistan, and that was Kashmir. Theek? In 2001, Pakistan and India were eye to eye with each other. They were going to fight another war when there were attacks on Indian Parliament. The reason was Kashmir. In 2007, Bombay attacks, Pakistan and India were again at the verge of war. The reason was Kashmir. Still, both India and Pakistan are fighting with each other. And due to this fight, we are not paying only in terms of neglect of social sector, education, health, but at the cost of democracy. Because military as an institution became more stronger, and in every security state, military as an institution become more stronger. So this is the reason that how one conflict that originated in 1947, it is still the nuclear flashpoint, it is still the core dispute between India and Pakistan, it is still the cause of the poverty of Pakistan, it is still the cause of shifting 20% of your budget, which should have been invested on education and health. It is being shifted towards security apparatus and fighting with India and securing ourselves. If there would have been no conflict, no direct conflict between India and Pakistan, that huge amount should have been invested somewhere else. If there would have been no Kashmir dispute between India and Pakistan, there would have been no question of strategic depth in Afghanistan, there would have been no Afghan war. And there would have been no mayhem and terrorism and extremism in this day and age that we are witnessing. Koi bhi maska na. Every problem that we are facing today has its links in 1947, has its links with our initial years, the way we become paranoid and the way it was infused into our national psyche and we became fearful for the next 70 years. This is the reason that if anything happens in Pakistan, we say that in India निकल गया, ठीक है? तो समझ आ गया ना? This is the reason that initial years are important. This is the reason that whenever a question is given on even initial years, or whenever question is given on importance of Kashmir, तो आप एक relevance create कर सकते हैं. आपको direct relevance नहीं मिलेगी. There will be no direct relevance of strategic depth in Afghanistan, war of Afghanistan 1979 with Kashmir, both are separate things. But there is a credible link. Because why we are searching strategic depth in Afghanistan, why in the quest of strategic depth in Afghanistan, and why we are creating jihadis and fighting with Russia, it has no direct link. Because we want to secure ourselves from this side. And in case of any conflict with India, we may use Afghanistan as a base. ठीक? Reason, Kashmir. और तो कोई conflict ही नहीं है मेरे. ठीक है ना? So, दो points आपके cover हो गए. The fear of survival, the fear of being nipped in the butt, and these were very genuine fears. That was in the context of security. And security is not only security of your borders, security of your territories. National security may encompass various other things. ठीक? It may include economy, it may include various other things. ठीक? Which are the part of national security. अब दूसरा जो मेन इशू था दैट वाज रिफ्यूजीज. इट वाज द लार्जेस्ट ह्यूमन माइग्रेशन इन द वेक ऑफ पार्टीशन एंड इट वाज द मोस्ट ट्रेजिक एंड मोस्ट पेनफुल पार्टीशन एज वेल एज माइग्रेशन. द स्टोरीज ऑफ रिफ्यूजीज, द वे दे सेक्रीफाइस, द वे दे सफर्ड. More than 15 million in India and Pakistan migrated. More than 7.6 million from India into Pakistan. More than 4.6 million from Pakistan into India. All were human beings. All suffered.
And usually blame is laid upon Jinnah, upon Nehru, upon Mountbatten. Qaid-e Azam आखिरी बार ज़िंदगी में रोए थे, ही वेप्ट बिटरली जब वो कराची उतरे और जब वो एयरपोर्ट से जा रहे थे और वो कितारों में लोग उनका हाल देखा ठीक के फिर उन्हें दिस वॉज द प्राइस ऑफ फ्रीडम ठीक दैट मोर देन 50,000 वुमन रिपोर्टेडली अबडक्टेड मुस्लिम वुमन एंड 42,000 had never been recovered, that more than 1 million people were perished, Muslims, and more than 400,000 non-Muslims perished. Mara dono mein tha humne ek dusre mein, aisa nahi tha ki humne kuch nahi kiya, jahan pe hamara haath idhar padta tha humne bhi kiya. So a state which has nothing to pay his employees, which is starting its journey from scratch, जिसके पास कार्बन पेंसिल्स तक नहीं है लिखने को, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं है, हाउ कैन दैट स्टेट बी एक्सपेक्टेड टू कैटर एंड टू एब्जॉर्ब दैट ह्यूज माइग्रेशन. और यही प्रॉब्लम, लोग आए जा रहे हैं एंड नोबडी वाज विलिंग टू एक्सेप्ट देम. पंजाब वाज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट, सिंध वाज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट, एंड देन अल्टीमेटली अ रेफ्यूजी कमीशन अंडर द सुपरविजन ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना वाज कॉन्स्टिट्यूटेड. And 200,000 people migrated to Sindh. They were settled in Sindh. 100,000 जो बाद में आए, कुछ तो लोग पहले ही आना शुरू हो गए थे ना, वो सेटल हो गए. बट 47 के बाद अगस्त और फिर दिसंबर 48 तक आते रहे लोग, तो देन ये प्रोसेस रुक नहीं रहा था और यहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. फिर उनको बाकायदा तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया मुख्तलिफ पार्ट्स में, 100,000 इन NWFP, 100,000 इन पंजाब, 100,000 इन बलोचिस्तान एंड भावलपुर ठीक, एंड 200,000 इन ये सिंध में और कराची में. इन सारों को एडजस्ट किया गया. अब दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग. जब वो घर से निकले थे उनके पास कुछ भी नहीं था, और यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे भी कुछ नहीं. कुछ लोग तो इतने ये थे कि शायद हम जन्नत में जा रहे हैं, पाकिस्तान को तो यही समझा था. वो जो हाइप क्रिएट किया गया था उन 7 सालों में, वो तो ऐसे ही लगता था मुसलमानों के पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हम यहाँ से जन्नत में जा रहे हैं. पाकिस्तान में हम जाएंगे तो हालात ही मुख्तलिफ होंगे, वहाँ चीज़ें मुख्तलिफ होंगी, वहाँ सिस्टम ही मुख्तलिफ होगा, इस्लामिक स्टेट होगी. And that will be creation of New Medina. ये एक बुक भी है, Creating New Medina. बहुत अच्छी किताब. And they considered that it will be a New Medina, New Islamic State. तो वो इसमें आए थे. बट यहाँ आके जो उनको सर्वाइवल के प्रॉब्लम अलग, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अलग, प्रॉपर्टी के इश्यूज़ अलग ठीक, ये सारे उन लोगों ने फेस किए. और उन लोगों के साथ साथ स्टेट ने फेस क्या किया, स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इन सारे लोगों को अब्ज़ॉर्ब कर सकें, कैटर कर सकें. बट इवन देन वी मैनेज्ड, इवन देन बाय जनवरी दिसंबर एंड जनवरी 1948 वी स्टार्टेड मैनेजिंग दीज थिंग्स. बट इसमें कोई शक नहीं है कि ये 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो किसी स्टेट ने फेस किया, इस लेवल की माइग्रेशन. वो कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान इज दैट इट सर्वाइव्ड. इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट रेजिलिएंट सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट एंड इवन इन द वर्ल्ड. दैट दे हैव फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, दे हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स more than their capacity to absorb, but ultimately they kept up their appearance in all crises. 47 se leke abhi tak, take the name of any problem, it will exist in Pakistan, and it is in Pakistan. From terrorism and extremism
the collective loss of Pakistan is more than the collective loss of whole international community. The collective financial loss of Pakistan is more than the collective loss of whole international community. We have faced greatest floods. We have faced greatest earthquakes. We have faced greatest famines. And we have faced greatest migration and refugee crisis. There is not a single nation which has absorbed more than 4 million Afghan refugees. Pakistan did. From 1979 onwards, there were more than 4 million Afghan refugees. We catered them. So still this refugee crisis, aaj to wo hame nazar nahi aata, but 47 or 48 mein, that was the greatest problem and we managed it. Again, there was financial crisis. A financial crisis mein saada si baat hai. Since India was not ready to divide itself, they were not sincere with this cause, or jab ye partition ya divin hogi, they were not ready to give Pakistan its due share of finances. The total jo finances the, unka 700 million Pakistan ka share banta tha. Theek? अब 700 मिलियन में से 200 मिलियन दे दिए गए और बाकी का प्रॉमिस कर दिया गया, नहीं दिए गए. और पाकिस्तान बड़ा कैश स्टार था अपने पहले चंद महीनों में. 200 मिलियन से एक स्टेट का क्या बनता. टोटल जो रिजर्व थे उनका भी 30% पाकिस्तान को मिलना था. 965 मिलियन पाउंड के रिजर्व थे जिसमें सिर्फ 23 के 28 मिलियन पाकिस्तान को मिले. फिर अल्टीमेटली हुआ क्या कि प्रीटेक्स्ट जो यूज़ किया इंडिया ने वो ये था कि सिर्फ दैट मनी विल बी यूज्ड इन वार अगेंस्ट इंडिया, जो कि कश्मीर में उस वक्त स्टार्ट हो चुकी हुई थी. सो इंडिया स्टॉप्ड सेंडिंग एनी मनी और एनी कैश टू पाकिस्तान, क्योंकि तब एक ही बैंक था ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. पाकिस्तान का तो स्टेट बैंक अभी बना ही नहीं था. अभी तो स्टेट डिवाइड हुई है, पहले तो सब कुछ इकट्ठा था. अब आपके पैसे इकट्ठे पड़े हो पूरी कौम के, ठीक है. और जब आप जाने लगे तो आपको पता हो कि यार जब मैंने जाना है तो ये एक 1000 है तो इसमें 300 मेरा है, अमानत इनके पास पड़ा हुआ. वो कहें ठीक है तुम जा रहे हो, ये लो ना ओनली 50 और पहुंचो, बाकी मैं भिजवा देता हूँ. और आप इस आस के ऊपर आते हैं, देन देयर इज़ नथिंग. पाकिस्तान के पास अपनी एम्प्लॉइज़ को पहली सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे जितने भी एम्प्लॉइज़ थे. फिर निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने 200 मिलियन का पाकिस्तान को एड दी जिसके थ्रू हमने ये, नवाब ऑफ भावलपुर ने भी नई स्टेट को जो पाकिस्तान थी उसको एड दी जिसकी बेस के ऊपर. तो आपके पास फाइनेंस ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये इश्यूज भी थे. इसके साथ साथ पाकिस्तान वाज एन इकोनॉमिक डेजर्ट, ये भी किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट या किसी हिस्टोरियन ने टर्म यूज़ की थी, दैट इन द बिगनिंग ईयर्स पाकिस्तान वॉज एन इकोनॉमिक डेजर्ट. अब फाइनेंसिस के साथ साथ दैट वॉज एन एग्रीकल्चरल इकॉनमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. मोर देन 70% ऑफ द लेबर एग्रीकल्चर. देर वर मोर देन 15,000 फैक्ट्रीज इन इंडिया एंड इन पाकिस्तान ओनली मोर देन कह लें कि 200 थी फैक्ट्रीज, और वो भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. कोई लार्जेस्ट ये जो टेक्सटाइल मिल्स थी 15,000 से ज़्यादा थी इंडिया में, और पाकिस्तान में 1,000 से नीचे थी. जब आपका मुल्क डिपेंडेंट होता है इंडस्ट्री के ऊपर और इंडस्ट्री आपके पास है ही नहीं. एग्रीकल्चर वही आप एग्रीकल्चर बास्केट था पंजाब पाकिस्तान का, बट एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर की इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं थी. सिर्फ एग्रीकल्चर थी, इसके ऊपर मुल्क तो नहीं चलाया जा सकता, ये भी इश्यूज थे. तो पैसे भी ना हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ना हो, इकोनॉमिक बेस भी ना हो आपके पास, सिर्फ आप एग्रीकल्चर के ऊपर गुजारा कर रहे हो, कोई इंडस्ट्रियल बेस भी ना हो, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, टेक्नोलॉजी मशीनरी ये कुछ भी नहीं है, सारा इंडिया में था. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पेरिफेरल पार्ट था, ठीक, ये तो निगलेक्टेड पार्ट रहा है हमेशा से, इसके ऊपर इतना फोकस भी नहीं था.
बंगाल में मेन हब था कलकत्ता, कायदे आज़म को आखिरी दिनों तक ये था कि कलकत्ता विल बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट वो क्या नाम था उसका, इंडियन एक लीडर था पटेल, पटेल ने ओपनली चैलेंज कर दिया था इफ़ कलकत्ता विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इंडिया तो फिर ऐसी कोई हम पार्टीशन होने नहीं देंगे, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ठीक, सारी इकोनॉमिक बेस हमारी इंडस्ट्रियल बेस कलकत्ता में थी, वो उधर शिफ्ट हो गई। इधर क्या था हालात, यहाँ पे जितनी भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग जो कम्युनिटी थी वो सारे हिंदू थे और सिख थे। इंश्योरेंस से रिलेटेड, क्रेडिट से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी हिंदू उनको डील कर रहे थे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट थी वो हिंदुओं की थी इधर, मोस्टली जो इंडस्ट्री थी वो भी हिंदुओं की थी। और सितम बलाए सितम जब वो वहाँ यहाँ से उन्होंने माइग्रेट किया, उन्होंने तो पहले पता था बहुत सारी चीज़ों का, तो उन्होंने जब माइग्रेट किया तो इंडस्ट्रियल मशीनरी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पहले ही शिफ्ट कर दी थी, और जो इंडस्ट्री उन्होंने यहाँ पे छोड़ी वो नकारा छोड़ी, वो काम करने के काबिल ही नहीं थी, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्पेयर पार्ट्स थे वो सारे वो साथ ले। तो अल्टीमेटली जो पाकिस्तान हमें मिलता है इट वॉज ओनली रिलाइंग ऑन एग्रीकल्चर, ठीक, एंड इट वॉज वेरी इकनॉमिकली वेरी वीक, and you can say it economic desert at that time. अब बात करते हैं territorial issues की। territorial issues में main issue तो कश्मीर था। अब तीन चार और भी आपको याद होने चाहिए कि आपको ये सारे problems बताने का मकसद सिर्फ एक है, बड़ा आसान सी है ये चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं है। इनका मकसद सिर्फ एक है कि आप इन चीज़ों को मौजूदा context में स्टेट को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, रिलेट कैसे कर सकते हैं, कि आपने 47 और 48 में ही इतने ज़्यादा एक वक्त में मसाइल का सामना किया हो तो फिर जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है ना वो बड़ा वीक था, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो बड़ा वीक, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो बड़ा वीक। बट इवन देन 1960s में पाकिस्तान एशिया का एशियन टाइगर्स में प्रेडिक्ट किया जा रहा था, तो इट मीन्स देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस नेशन। ठीक, दिस नेशन इज स्ट्रांग, इट हैज पोटेंशियल टू ग्रो, बट दोज वेरी हाइड्रा हेडेड प्रॉब्लम्स वो अभी भी इसके रास्ते में है जो इसकी प्रोग्रेस को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, कर्टेल कर। तो टेरिटोरियल इश्यूज़ में एक तो कश्मीर का था जिसको हमने डिस्कस किया और बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे भी। कुछ और जैसे जूनागढ़ की स्टेट थी तो वहाँ पे भी सिख रूलर था और हिंदू मेजॉरिटी थी, वहाँ 20% मुस्लिम थे, बट बीइंग अ सिख रूलर इवन देन ही वांटेड टू एक्सीड टू पाकिस्तान, बट इंडिया ने उसको इन्वेड कर लिया and it forcibly became the part of India. ठीक है ना। इसी तरह एक और स्टेट थी कपूरथला, वहाँ पर भी यही हुआ। इसी तरह निज़ाम हैदराबाद, अब हैदराबाद वॉज नॉट द पार्ट ऑफ कंटिगस पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ना ही जूनागढ़ थी, कंटिग्यूटी नहीं थी। अब हैदराबाद भी पाकिस्तान के साथ कोई डायरेक्ट उसका लिंक नहीं था, बट प्रॉब्लम ये था कि हैदराबाद में मोर देन 70% वो हिंदू थे, बाकी मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ का जो किंग था निज़ाम ऑफ हैदराबाद द मोस्ट फेमस एंड इट वाज द मोस्ट प्रेस्टिजियस मोस्ट पावरफुल स्टेट इन द सब कॉन्टिनेंट विच वाज द सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम ट्रेडिशन, मुस्लिम वैल्यूज, ठीक, एंड एट द सेम टाइम द मोस्ट रिच स्टेट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब बेसिकली निज़ाम वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, ही नीदर वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉर टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया, बट ही वॉज ऑल्सो फोर्स टू एक्सीड और उसने वो ना किया, अल्टीमेटली वहाँ पर भी इंडिया ने इन्वेड किया।
तो ये सारी जो हाई हैंडेडनेस है इंडिया की, हैदराबाद के कंटेक्स में भी, कश्मीर के कंटेक्स में भी, जूनागढ़ के, कपूरथला, ये सारी इन टेरिटरीज जो कि पाकिस्तान का हिस्सा हो सकती थी, रूल्स के अगेंस्ट इंडिया ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया। अब अगर पाकिस्तान के अंदर की बात करें तो यहाँ पे पहला जो कॉन्फ्लिक्ट विद इन पाकिस्तानी स्टेट जो एक्सेशन का, वो बलूचिस्तान में स्टार्ट हुआ। खान ऑफ कलात जो स्टेट ऑफ कलात थी, मीर अहमद यार खान उसके खान थे, और आइडियली सिंस इट वाज कंटिगुअस विद पाकिस्तान सो इट शुड हैव बीन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट खान वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक, और उसमें ये बहुत बड़ा, एक ब्रिटिश बलूचिस्तान था और एक कलात था, तो कलात का जो खान था वो मकरान को, खरान को और लसवेला को भी अपना पार्ट समझता था, आल दो उसके ऊपर डायरेक्ट उसकी रिट नहीं थी। तो 1947-48 में जब जिना ने बात की एक्सेशन की तो वो भी रिलेक्टेंट नज़र आए। हाउएवर वहाँ पे फिर पाकिस्तान मिलिट्री को इंटरवीन करना पड़ा और फिर एक जिरगा भी हुआ जिसमें मोस्टली बलूचिस्तान बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट ये भी स्टार्ट में चैलेंज हमने फेस किया। अब आप अगर इसको देखें कि एक अभी बने हुए महीना दो हुए हैं और आप एक ही वक्त में, मिलिट्री बेस आपकी है नहीं, इकोनॉमिक बेस आपकी है नहीं, फाइनेंशियल बेस आपकी है नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम की चलो बात कर लें, 1100 इंडियन सिविल सर्विस के ऑफिसर थे ICS के या मेन के ऑफिस, उसमें सिर्फ 100 मुसलमान थे, बल्कि 1100 नहीं थे, ये शायद हज़ारों में थे, मैं फिगर मुझसे शायद याद नहीं आ रहे, ये मुझे याद है कि देर आर ओनली 101 मुस्लिम ऑफिसर्स। ठीक, और जब वो पाकिस्तान में जाहिर है माइग्रेट किए तो दे ऑल वर रेफ्यूजीज जो उन्होंने पाकिस्तान माइग्रेट किए, और यहाँ पे कैपिटल चूँकि पहले ये नहीं था कोई, तो कैपिटल के ना होने की वजह से आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी ना ही, उधर कोई ढाका कैपिटल था, वहाँ तो कलकत्ता था, यहाँ पे इंडिया में दिल्ली था, तो एक नए कैपिटल इस्टेब्लिश करना, कराची को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सारे जितने थे उनको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया, इवन के यार स्टेशनरी तक नहीं थी, कुछ भी नहीं। ठीक, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम भी हो, अब जो रेफ्यूजी के जो क्राइसिस आए थे उसमें एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम भी था कि आपके पास मशीनरी नहीं है, आपके पास मैन पावर ही नहीं है, आपके पास एम्प्लाइज ही नहीं है, आपके पास पुलिस भी नहीं है कोई ख़ास, तो आप इतने रेफ्यूजीज़ को मैनेज कैसे करें और उनकी जो कत्लो गारत हो रही है उसको रोक कैसे सकें, तो इसलिए ये भी उसमें एक रीज़न बन गया। अच्छा, वाटर क्राइसिस जो तो अभी तक चलते आ रहे हैं, वाटर क्राइसिस में एक दो जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई इस सारी कॉन्स्पिरेसी में, यहाँ तक कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई क्वेश्चन, कोई बात, कोई क्वेरी, अच्छा सवाल है कि वाई डिड ही एक्सेप्ट दिस। देखें, फ्रॉम 1905 टिल 1940 He was fighting for the cause of Muslims and for the cause of India, independence. In those 35 years, he was asking for the rights of minorities and protection of minorities. But he became a communal leader after 1940, when the certain protections and safeguards that he demanded from Indian National Congress, and they declined, and he became a communal leader. From 1940 onward till 1946, the greatest challenge of Jinnah was that he has to create a parity between Muslim League
and Indian National Congress. It was not only the matter of the ego of Jinnah, but it was also the matter of Muslims, because he learned some lesson in 1937 when Muslim League could not emerge as mass party of the Muslims. So he started reorganizing Muslim League. And after 1937, he transformed himself from Muhammad Ali Jinnah into Qaide Azam when reluctantly he became the part of mass politics and became a popular leader. Before that, there were only two or three leaders, Nehru and Gandhi, Patel, etc., Subhash Chandra Bose, or ye sare the. Jinnah was not the leader of masses. From 1940 onwards, when he raised the demand of Pakistan, even then he never wanted Pakistan. Basically, his main concern was the rights and safeguards for minorities, particularly Muslims. उसमें आपको पता है जिन्होंने पहले क्लास कौन कौन सी दो तीन पॉइंट्स से जो हमेशा सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहे जी बताएं किसा जिन्ना की मेन डिमांड्स क्या रही हैं फ्रॉम 1920s टिल 1940 जिसके ऊपर वो कहता था कि यार बस ये होना चाहिए एक मिनट तो इफ नेहरू had given 33% representation to Muslims in 1928, Azad says there would have been no Pakistan. There would have been no Pakistan. If Calcutta Conference, when Jinnah wept for the first time in his life, when he asked for certain amendments in Nehru report, and usme ek ye thi ki 1/3 rights de de Muslim ko seats de de. क्योंकि हम 1/4 अगर आप देंगे जितनी हमारी पॉपुलेशन है तो फिर तो आप जो मर्ज़ी बिल बनाएं जो मर्ज़ी लेजिस्लेशन करें वी विल बी अ परमानेंट माइनॉरिटी इन इंडिया एंड यू विल बी अ परमानेंट मेजॉरिटी इन इंडिया इट वाज अ फेयर ऑफ मेजॉरिटी इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम विच मुस्लिम्स एट दैट टाइम वर नॉट अकस्टम्ड एंड इट वाज अ राइटिंग ऑन द वॉल एट दैट टाइम दैट इफ डेमोक्रेसी विल बी इन्फोर्स इन सब कॉन्टिनेंट द वे इट इज़ बीइंग इन्फोर्स्ड इट विल बी वेरी पेनफुल फॉर मुस्लिम इन फ्यूचर सो जिनाह ने दो तीन चीज़ें मांगी नहीं मिली बार बार मांगी नहीं मिली एंड दैट अल्टीमेटली कॉज द पार्टिंग ऑफ वेज इन 1937 मुस्लिम टेस्टेड कांग्रेस रूल देमसेल्फ दे विटनेस कांग्रेस रूल एंड दैट वाज अ प्योर हिंदू राज इन द फॉर्म ऑफ वंदे मातरम इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैप्चर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इट वॉज टोटली अ हिंदू राज And Hindu writers themselves have written that the Congress ministries themselves and the way they ruled on the subcontinent and those 8 provinces in those 2 years basically laid the foundation of beginning or partition of the subcontinent. Theek? So from 40 onwards when he became the part of the struggle for separate state And then ultimately in 1946, he never asked for a moth-eaten and truncated Pakistan. But in 1946, Jinnah was in a fix. Cabinet mission plan jo diya, usme bhi Jinnah ne surrendered the demand of Pakistan. Theek? Wo to, ye jo conspiracies sari hui, ye to baad mein hui. World War II chal rahi thi. And India, England was heavily dependent upon India. They were being blackmailed. Then there was nexus between Nehru and Mountbatten. In saron ki wajah se, jo Pakistan phir samne aaya, wo half of the Punjab and half of the Bengal. Aap chale abhi to nahi main recommend karunga. Aap Aisha Siddiqa ki, Aisha Jalal ki padhe struggle for Pakistan. Theek? उसके पहले 2-3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा आपके ये कंसर्ट्स के तो जिन्ना इस फेवर में कभी भी नहीं था और अब बात ये कि वाई डिड ही एक्सेप्ट ही हैड नो अदर ऑप्शंस कोई और ऑप्शन नहीं थी उसने कहा कि जो मिलता है वही ले ले उस स्टेज के ऊपर अल्टीमेटली ख्वाब और दिखा के ठीक आपको अल्टीमेटली दिया कुछ और गया और कोई ऑप्शन नहीं रही
तो फिर कहा चलो ठीक है। इसीलिए आप कभी वो पढ़ें इनकी जो 11 अगस्त के बाद की जो स्पीचेस हैं वो सारी इसी रिलेटेड हैं कि ये चले ये वो नहीं था जो हमने ख्वाब देखा था, बट वट एवर इट इज़ अब हमने इसको सिक्योर करना है। ठीक, इवन ये बनना भी बहुत मुश्किल था। तो जनाब आजगारी विजिलेंट एट्सेट्रा, आपको पता है व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट सीक्रेट ऑफ 20th सेंचुरी इन द रीजन ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उसमें और वो दूसरा राइटर का नाम हमेशा बोल देता हूँ, मिड नाइट हर जगह पढ़ी राइट। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट ऑफ 20th सेंचुरी वाज जनाब को जो बीमारी थी टीबी, इट वॉज ओनली बिटवीन टू, एक वो पारसी डॉक्टर और एक नाइट। ही वांटेड टू क्रिएट अ स्टेट एट एनी कॉस्ट बिकॉज ही न्यू इट कि अगर ये हिंदुओं के साथ रहेंगे तो फिर क्या होगा, वो उनका फिट सेवन में थी। ही वॉज ओनली पर्सन एंड वन पारसी डॉक्टर वॉज अवेयर अबाउट दिस फैक्ट दैट इसके पास ज़्यादा टाइम। अगर कांग्रेस को या इवन उस्मानों के और कुछ लीडर को ये पता होता है जिना के साथ ये इशू है तो पाकिस्तान को नहीं पता, एक बंदे को पता। जिना को जब कब होती थी ना मीटिंग से रहा तो वो उस कमरे से उठ के चला जाता, और जिना जो 1947 के बाद जो जिंदा रहे हैं ओनली ऑन द बेस ऑफ डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, बंदा कुछ बाकी नहीं। दैट वाज अ सीक्रेट और इसके ऊपर बकायदा बात भी बाहर निकली, दैट वाज सीक्रेट इज ओनली बिटवीन। ये तो ऑलरेडी चीज़ें डिले हो रही थी, अगर जिना जिंदा ना रहता तो ये तो डिले होता ना। लेकिन आप पाकिस्तान बनने के बाद आपके पास दो भी कौन से, दो चार लोगों के अलावा तो कोई सिंसियर नहीं थी, और ये अभी हम आगे बात करें इनसे। इस शर्त के ऊपर सरेंडर कर दिया था कि अगर कांग्रेस भी इसको एक्सेप्ट कर ले तो फिर मैं भी इसको एक्सेप्ट करूंगा, इंग्लिश के वो क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, वो यूनिट सिस्टम बनाया गया था 10 साल, अगर हम चाहें और वी आर नॉट सेटिस्फाइड तो हम उस यूनिट सिस्टम से 10 साल बाहर आ जाएंगे। तो जिनाब इसके लिए एक नजर आया था सीड्स ऑफ पाकिस्तान के, ठीक है गुलमिल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन मेन सेंटर, ठीक है एंड दैट सेंटर विल हैव ओनली लिमिटेड सब्जेक्ट सच एज डिफेंस एंड कम्युनिकेशन एटसेट्रा एंड फॉरेन पॉलिसी एंड वी विल बी द पार्ट ऑफ इंडिया बट एट द सेम टाइम वी विल टोटली ऑटोनमस, ठीक है। और अगर फिर भी वी आर नॉट सेटिस्फाइड तो वी एज अ यूनियन एज अ ब्लॉक इसके लिए 4 सूबे और 1 बंगाल उससे पाया जा सकता। तो नेहरू अगर ये एक्सेप्ट कर ले तो मैं भी एक्सेप्ट कर लूँगा, आप नेहरू को कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया, जिना ने भी एक्सेप्ट कर लिया। हुआ क्या हुआ, ये कि जो ही ये सब कुछ हुआ नेहरू के आके जुलाई का ये बात है 26 की, नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दे दी जिसमें उसने ये कहा कि दैट आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस प्लान बाय द बोथ पार्टीज इंडियन नेशनल कांग्रेस and when this center and this scheme will be established, we will be changing it at our whim and wish. हम इस यूनियन क्लास और बाय लिखने वाली क्लास को चेंज कर, ठीक। तो इससे जिनाब को ये फील हुआ कि ये कोई जेंटलमैन एग्रीमेंट तो फिर ना रहा, ये तो हम डिसीड कर रहे हैं। इसलिए नेहरू की स्टेटमेंट के बाद जिनाब ने then there is centrifugal and fissiparous tendencies. हाँ मुझे खुद भी नहीं पता चलता कहाँ से बात सुनी थी। हाँ तो ये जो कॉन्स्पायरेसी हुई थी इसके दौरान कुछ डिस्ट्रिक्ट इस सारे मैनूवरिंग के दौरान इंटेंशनली इंडिया को दे दिए, इसमें गुरदासपुर मीडिया को दे दिया, फिरोजपुर तहसील को
कह लें कि एक आर्बिटल काउंसिल सी डेवलप हुई कि ये मार्च 1948 तक ऑल मैटर्स रिलेटेड टू वाटर विल बी डेल्ट बाय दैट आर्बिटल काउंसिल, वो एक्सपायर हो गई 30th को और 1st अप्रैल को इंडिया ने पाकिस्तान का बानी बंद कर दिया मुकम्मल तौर 1948 मुकम्मल तौर पे। उधर से जो पानी आ रहा था हेडवर्क सारे उनके कंट्रोल में थे, फ्लो के उनके कंट्रोल में थे, उन्होंने बंद कर दिया एंड दैट विल वाज अ डायरेक्ट थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान कि आपका पानी सारा कंट्रोल उनके पास है। ये कंट्रोल जानबूझ के दिया गया था। फिरोजपुर तहसील आखिरी हफ्ते तक, खैर ये बड़ी लंबी बातें हैं इसके ऊपर हम क्या बात करें, बीमाउंट की एक बुक है Beaumont was private secretary to Redcliffe, जिसने सारा बाउंड्री कमीशन, नहीं प्राइवेट सेक्रेटरी टू Mountbatten। तो टाइम क्या हुआ, 6:00 तो चले मैं शेयर कर देता हूँ एक दो मिनट की कहानी। तो वो मरने वाला था, उसका बच्चा होता था, उसने कहा कि मुझे स्कूल में टॉपिक मिला है Mountbatten के ऊपर और डिबेट थी कोई, तो Mountbatten के ऊपर उसने उसकी सर्सेज के ऊपर वो डिबेट की। तो वो दादा के पास आया, अगर मुझे इसके ऊपर लिख देना, खैर उसने लिखी या ना लिखी वो कंपटीशन बाद में जीत के आ गया। तो ये ऑन द डेथ बेड ही वेप्ट बिटरली, ठीक कि हाउ पीपल नाउ इवन देन इस वक्त में भी Mountbatten विच शुड नॉट हैव बीन क्रेडिटेड एंड अप्रिशिएटेड लोग उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, नोबडी नोज बेटर देन मी अबाउट Mountbatten। तो उसने फिर किताब लिखी, ठीक अभी मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, बड़ी अच्छी किताब है। उसने फिर उन आखिरी दिनों की सारी दास्तान, इट इज़ द ग्रेटेस्ट एविडेंस द वे इन लास्ट 10 days। हम तो वो कुछ चंद किताबें हिंदुओं की पढ़ के या वो इधर इधर कुछ पाकिस्तानी राइटर्स की पढ़ के हम अपने बिलीफ बना लेते हैं। अब एक किस्म का डाइंग डिक्लेरेशन होता है, मरने से पहले इंसान झूठ नहीं बोलता और अंग्रेज़ तो नहीं बोलते बिल्कुल भी, मुसलमान बोलते हैं। तो उसने वो किताब लिखी, उसमें उसने बाकायदा तौर पर कहा कि किस तरह लास्ट वीक में दे वर द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये फिरोजपुर गुरदासपुर और ये सारे, एंड दे वर चेंज इन लास्ट 3 days फ्राम 10th of August टिल 14th, 15th of August। इन लोगों को पता भी नहीं था बेचारों को, इट केम लाइक अ हेल कि उनको पता चला कि नहीं ये फिरोजपुर तो जनाब ये तो इससे ही नहीं है पाकिस्तान का, इट इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया, तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट और तहसील के साथ ऐसा हुआ, अम्बाला के साथ ऐसा हुआ, ठीक गुरदासपुर के साथ, फिरोजपुर के साथ, एक आध और भी था अभी नाम जहन में नहीं है। तो ये आखिरी उन दिनों में चेंज कर दिया। इससे क्या हुआ कि मेन जो हमारा एक तो ठीक है एरिया तो उनके पास चला गया, बट वाटर कंट्रोल और वो सारा चला गया। फिर 1st अप्रैल को ये जब उन्होंने इसके ऊपर कह लें कि क्लोज कर दिया सारा सिस्टम, फिर दोबारा इसके ऊपर निगोसिएशन हुई, उन्होंने कहा फर्स्ट यू एक्सेप्ट दैट देयर इज़ नो राइट टू वाटर, कि आपका कोई इसके ऊपर राइट नहीं है, एंड वी आर जस्ट गिविंग, फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट एंड देन इफ योर वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम इंडिया इनटू पाकिस्तान यू हैव टू पे फॉर इट, एंड अल्टीमेटली वी एक्सेप्टेड। तब वो मामला रिजॉल्व हुआ, बट परमानेंटली वो मामला
पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो वाटर क्राइसिस स्टार्ट के 3-4 माह में अराइज़ हुआ वो इतना क्रूशल था कि पाकिस्तान को ये फील होता था कि अगर पानी ना हुआ तो हम कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने वो तमाम तर कोशिशें की जिससे आपकी स्टार्ट में ही सर्वाइवल आपके खतरे में ख़त्म हो जाए। तो ये फिर डिस्प्यूट बाद में इसमें वर्ल्ड बैंक इंटरवीन किया 1953 में, ठीक, और ये उन्होंने रिजॉल्व किया। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी है जिससे परमानेंटली इस डिस्प्यूट का बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एक सलूशन निकाला गया। वरना शायद तो पहली जंग तो कश्मीर के ऊपर हुई, दूसरी जंग शायद वाटर के ऊपर होती। अच्छा जी, जस्टिस मुनीर था, रेड क्लिफ उसका मेन हेड था। सर उनका क्या होता अगर सारे जो डिसीजन रेड क्लिफ कर रहा था, क्या उनकी तरफ से कोई प्रोटेस्ट या उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट इस तरह की? बिल्कुल था, उधर से इंडिया की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव थे उसके, इधर से भी थे रिप्रेजेंटेटिव। और मेन जो उसको, क्योंकि हेड जो कर रहा था वो रेड क्लिफ कर रहा था, और रेड क्लिफ डिसीजन के ऊपर जिना ने मुकम्मल तौर पर एतमाद का इजहार किया था। यहाँ पे एक और मिसकैलकुलेशन थी जिना की। जिना रेड क्लिफ को पहले से जानता था और जिना साहब ने समझा कि ही विल बी अ रिलायबल पर्सन, बट ऐसी बात नहीं थी। ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माउंट बैटन, और इस इन्फ्लुएंस की वजह से उसने जो मैप्स पहले डिवेलप हो चुके थे, जो चीज़ें बन चुकी थी, उसमें बाद में आफ्टर 7th-8th August उसने इसमें बाद में डिसीजन लेके आया। तो काफ़ी आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग थी। जस्टिस मुनीर और इन लोगों का एक सिर्फ उसमें इस हद तक इंटरफेरेंस थी कि वो उसको सजेस्ट कर रहे थे, वरना उसका उस कमीशन का चूंकि हेड वो था तो तमाम पावर्स उसी के पास थी। डिटेल में क्वेश्चन है पूरा। सेंट्रीफ्यूगल एंड फिसिपेरियस टेंडेंसीज, अब देखें, द फर्स्ट स्टेट विच वॉज क्रिएटेड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड द वे इट हैज़ बीन क्रिएटेड। अभी हम ब्रेक लेंगे 10 मिनट, थोड़ी ये कंप्लीट कर, अभी ले लें इसको, ज़रा कंप्लीट कर लें, एक दो पॉइंट्स ही रह गए। खैर इनके ऊपर हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। फिसिपेरियस एंड सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज, अब एक अलमिया है, देखिए पाकिस्तान बनाने वाले को डिमांड कहाँ से थी? सेंट्रल प्रोविंसेस से, यूनाइटेड प्रोविंसेस से, वे मुस्लिम वर्क बना रहे थे, दे वर द टॉर्च बेयरर ऑफ दिस फ्रीडम मूवमेंट, दे लॉन्च दिस मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ सेपरेशन एज वेल एज वुमन मूवमेंट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। हुआ क्या, इवन पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड was composed of that part unfortunately which had no contribution in making Pakistan. Punjab, Sindh, NWFP, all these regions were already dominant and they had majority and they were being ruled by the Muslims themselves. So these provinces and these regions had no direct contribution in the making of Pakistan. And in 1940, when Pakistan was promised, it was promised in the way that it is clearly written that autonomous states only. Two autonomous states, and that will be a federal state in which all the units of federation will be autonomous or will be given maximum. So Jinnah basically, what Jinnah did, he picked certain pieces, 5 pieces, it was collection of 5 ethnic groups, इसमें सिंधी थे, इसमें बलोची थे, इसमें पठान थे, पंजाबी थे और माचर थे। He picked those 5 groups, collected them and created a country. So after 1947 and with the death of Jinnah 1948, centrifugal tendencies started to emerge which started to move away from the center. ये सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोच और ये सारे फिसिपेरियस टेंडेंसीज इन्होंने दूर जाना शुरू किया।
और वो जो नेशन स्टेट जिसका आपने कॉन्सेप्ट सोचा था, अ स्टेट ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, दैट देर इज़ नो एथनीसिटी, देर इज़ नो बलोच, देर इज़ नो सिंधी, देर इज़ नो पठान, एवरी वन इज़ मुस्लिम एंड पाकिस्तान इज़ इक्वल टू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बट इट फेल्ड. इट वॉज अ मिसकैलकुलेशन वन. एंड देन वैन देयर इज़ एन एग्जिस्टेंस ऑफ लीडरशिप, तो लीडरशिप और वो भी जिना के लेवल की, उस दौरान तो वो आप उनको जेलिंग कर सकते हैं, बट आफ्टर जिना और फिर इवन लियाकत अली खान, ये मामला आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ता गया. यही वजह है कि एक एक्यूट किस्म का रीजनलिज्म पाकिस्तान में डेवलप हो गया, कि बंगाल टोटली तौर पे बिल्कुल अलग और इधर सारे सूबे आपस की उन्होंने बात कर रहे थे. एक इसके अलावा और ये जो पाकिस्तान की स्टेट बनी थी, इसके साथ एक और बहुत बड़ा मसला ये था, वो ये था कि ये एक बड़ी यूनिक स्टेट थी. इट हैड नॉट ओनली यूनिक ओरिजिन एट दैट टाइम, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान वाज यूनिक इन टर्म्स ऑफ हिज टेरिटरी, बिकॉज देर वाज ऑलमोस्ट 1000 माइल डिस्टेंस बिटवीन वन पार्ट ऑफ द स्टेट एंड अनदर पार्ट ऑफ द स्टेट. देर वाज नो जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी. एंड व्हेन यू स्टडी द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जिसमें एक टेरिटरी एक मेन एलिमेंट है, तो टेरिटोरियल कंटिग्यूटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज अ स्टेट इन विच देर आर टू पार्ट्स ऑफ द स्टेट एंड बिटवीन दीज टू पार्ट्स देर इज़ एन एनिमी टेरिटरी ऑफ ऑलमोस्ट 1000 माइल्स. सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. एंड देन इन दोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट there is one ethnic group that is Bengali, which is in majority and that is homogeneous, and there are 4 to 5 ethnic groups which are living in western part and they are heterogeneous. Theek. So reconciling these homogeneous and heterogeneous elements, that was a very difficult, usse bhi state internally weak hona shuru ho gayi. ठीक. अब इसके बाद है मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग के साथ एक बहुत बड़ा मसला ये हुआ दैट मुस्लिम लीग कुड नॉट ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम अ मूवमेंट इनटू अ नेशनल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है. अब फ्रीडम मूवमेंट के दौरान तो ये पहले भी पार्टी एज सच नहीं थी. इट वाज अ वेरी weak organization till 1937, and after realization in the elections of 1937 unhone grow karna start kiya, apne aap ko organize karna start kiya, and in 1946 they clean swept more than 85% jo seats thi wo Muslim League mein thi, and that was a great success. But after 1947 Muslim League उसी जो मूवमेंट का फेस था उससे बाहर ना आ सके. यही वजह है कि आपको 1954 में यूनाइटेड फ्रंट बांग्लादेश में मुकम्मल तौर पे विक्ट्री हो जाती है उनकी, पंजाब में और इधर वेस्ट पाकिस्तान में मुस्लिम लीग 2-3 धड़ों में डिवाइड हो जाती है, एक जिना लीग बन जाती है, एक इधर शफील यानी वो तो पहले कयूम लीग, ठीक, और वो सारी चीज़ें. अब एक वो पार्टी जिसने पाकिस्तान को क्रिएट किया वो विद इन 2 or 3 ईयर रीजनरेट होना शुरू हो गया. कायदे आज़म ने एक बात की थी और वो भी वैसे सुलन गलत थी, लेकिन उसका एक कॉन्टेक्स्ट था जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की थी, क्योंकि कायदे आज़म was very liberal and democratic till 1947. ये भी question आ चुका है सी एस एस में. बट he became a very centralized leader after 1947. उसका context ये है कि from 1947 till 1948 challenges जिन हम सभी ने जिक्र किया है, challenges that we were facing, they were monumental and enormous. वो हमसे कुछ बहुत ज़्यादा थे. तो हुआ क्या, जिनाह साहब सेंट्रलाइज बने और वो सारी टेंडेंसीज उनमें आई, क्योंकि उनका मेन जो
मकसद था वो था स्टेट को प्रिजर्व करना। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि दैट एक्सेप्ट लीग देर इज़ नो पार्टी, ठीक, कि मुस्लिम लीग इज़ इक्वल टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज़ इक्वल टू मुस्लिम लीग। सो पार्टी पॉलिटिक्स में तो ये इन उसूलों के खिलाफ है, बट व्हेन जिन्ना इज़ गिविंग दिस स्टेटमेंट दैट मुस्लिम लीग इज़ इक्वल टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज़ इक्वल टू मुस्लिम लीग एंड इन नेक्स्ट टू और थ्री ईयर्स मुस्लिम लीग इट्सेल्फ वाज डिजनरेटिंग, सो वी मे सपोज दैट पाकिस्तान इट्सेल्फ वाज इन ट्रबल बिकॉज द मेन पार्टी विच क्रिएटेड पाकिस्तान वाज इन ट्रबल। और 1954 के बाद तो अपना वजूद ही खो बैठे। वेस्ट पाकिस्तान में सिकंदर मिर्ज़ा ने मुस्लिम लीग को डिसबैंड करके रिपब्लिकन पार्टी बना दी और सारे मुस्लिम लीग से मेंबर्स उठा के एक पार्टी अलग बना दी फॉर हिज वेस्टर्न इंटरेस्ट, उसका नाम रिपब्लिकन पार्टी बना। ये चीज़ें तो मुस्लिम लीग के एक मैस पार्टी ऑर्गेनाइज पार्टी जो कि लोगों की रिप्रेजेंटेटिव हो, ना कि एक पावर ब्लॉक हो, चंद जगीरदार इकट्ठे हुए हैं और चंद महाजर पाकिस्तानी लीडर इकट्ठे हुए जो यूपी और सीपी से माइग्रेट करके आए हैं, इस फैक्टर ने भी मुस्लिम लीग को वीक किया। फिर एक जो पॉइंट मैंने आपको पहले बताया, लीडरशिप वैक्यूम, जिन्ना की डेथ के बाद जिन्ना तक तो मामला ठीक थे, बट इवन जो जिन्ना जिया जिंदा रहे वो रिमेंड लाइव ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिटरमिनेशन एंड विल, वरना ऐसा नहीं था। मेरा भाई किताब है माई ब्रदर, आप कभी पढ़ें तो उसमें वो क्या लिखती है, एक बार ऐसा हुआ कि मलिक गुलाम मोहम्मद और लियाकत अली खान वो मिलने आए ज़्यारत, तो मैं जब गई तो मैंने राजा आज़म से पूछा कि दोनों मिले हैं क्या, उनका कहने रीज़न ये थी कि जितना नेवर वांटेड कि उसके जितने भी क्लोज लोग हैं उनको ये पता चले कि मैं कितने हैं। ये जो आपको जो विल और आर्ट वो बातें करते हैं ना, पावर एंड ग्रीड इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। और बर्टन रसल कहता है कि इवन आपकी 2010 की प्रेसी में इवन द सेंट कैन बी एनवियस कि दूसरे सेंट के पास ज़्यादा प्रेम है, ज़्यादा पावर। तो आप जितने भी ठीक है, लियाकत अली खान गुलाम मोहम्मद की तो बात ही नहीं कर रहे, लियाकत अली खान वाज सिंसियर, बट एट द सेम टाइम दीज पीपल वर आल्सो वाचिंग के जिना डेथ का हो और हमारा उसके ऊपर कंट्रोल। तो जिना के बाद लियाकत अली खान बिकेम द लीडर और वो जाहिर उन्होंने बनना भी था, एंड ही वाज आल्सो वेरी सिंसियर टू द काज ऑफ पाकिस्तान। बट एक थोड़ा सा एक इशू था, प्रॉब्लम था जिना की जो लीडरशिप थी उसका हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल। एवरेज इन दिनों में 18 आवर्स वर्किंग थी मोहम्मद अली सलाम, उन दिनों में हर चीज़ को वही ओवरलुक कर रहे थे। कैबिनेट सिस्टम में गवर्नर जनरल कैबिनेट की मीटिंग को हेड नहीं कर सकता, सिर्फ जिन्ना के लिए ये कन्वेंशन इस्टेब्लिश की गई कि ही विल बी द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, चेयरिंग द कैबिनेट मीटिंग लियाकत अली खान, हालांकि प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। उन दिनों में भी कंट्रोल जो था सेंटर जो था वो जिन्ना था। जिन्ना के वाले जाने के बाद वो वैक्यूम पार्टली फिल किया गया लियाकत अली खान, बट 1951 में उनकी असैसिनेशन के बाद और उसके बाद की हिस्ट्री हम अभी आगे बढ़ें। ठीक, तो अभी आप लोग ब्रेक करें।